हेलो एवरीवन, फेस्ट टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम जानेंगे, जो जैसे कोई फर्स्ट टाइमर है और वो स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है और वो किस बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी देखेंगे, प्रोसेस भी देखेंगे और कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे बैंक में आपको सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, तो उसी तरीके से एक आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। सो डीमैट अकाउंट जितने भी नेशनल बैंक हैं, ऑलमोस्ट आप वहाँ पर डीमैट अकाउंट आकर खोल सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल ब्रोकर्स भी हैं जहाँ पर आप अगर चाहें तो वहाँ पर भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आजकल डीमैट अकाउंट खोलना उतना टफ नहीं है, आप बस एक बार अप्रोच करेंगे तो आपको खुद आपको अप्रोच करते रहेंगे कि आप ओपन कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, राइट, और बैंक अकाउंट डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बस ये तीन KYC डिटेल जो होती हैं, वो KYC डिटेल आपको रिक्वायरमेंट है। और आप अप्रोच करेंगे, ब्रोकर्स को कांटेक्ट करते हैं और ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा। और एक साइड में आपको बताता हूँ, अगर आपको एनालाइज करना है सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो एक बार हम कंपेयर करके भी कुछ साइट्स में आपको दिखाता हूँ, कुछ ब्रोकर्स दिखाता हूँ जहाँ पर अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे उनकी क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे, बाय या सेल करेंगे, तो कुछ ब्रोकर हैं वो ज़्यादा चार्ज लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, कुछ किसी का एनुअल चार्ज ज़्यादा है, किसी का कम है। तो सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट खोलने से पहले सबसे समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए एक साइड में आपको ओपन करके दिखाता हूँ जहाँ पर हम एक बार कंपेयर करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और अभी तक आपने अगर मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले टाइम में आने वाली है, जिसको आपका जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम एनालाइज करते हैं। साइट का नाम है चित्तौड़गढ़.com और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेयर ब्रोकर। यहाँ पे देखिए ये सारे ब्रोकर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं अभी ICICI है, ये ICICI डायरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 975 आपको अकाउंट ओपनिंग फी लग जाता है और डीमैट अकाउंट का एनुअली 600 रुपये लगता है, यानी फर्स्ट टाइम आपको 1000 रुपये के आसपास लगेगा और साल एवरी ईयर आपको समथिंग अराउंड 600 रुपये के आसपास लगेगा, 600 प्लस GST लग के आपको 700-800 कुछ लग जाएगा। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ये सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके चार्जेस हैं। आप सिंगल डे के लिए बाय करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे स्टॉक को, तो उसका ये चार्जेस होगा, शॉर्ट टाइम के लिए ये चार्जेस होंगे, ये ICICI डायरेक्ट का चार्ज है। तो आप सिर्फ चार्जेस देख लीजिए, बाकी ये सब आप आगे समझ सकते हैं कि ये सब का चार्जेस क्या है। आप सिर्फ बेसिकली इसको देखिए और यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो देख सकते हैं। अगर HDFC सिक्योरिटीज़ में करते हैं ये समथिंग अराउंड सेम चार्जेस लेता है, यहाँ पे भी वही है 50 पैसे 10 पैसे। उसके बाद फिर कोटक है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट और चार्जेस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। एक्सिस का अगर हम देखें तो एक्सिस में भी 1000 और 700 रुपये के आसपास है और चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है। SBI का अगर आप देखो तो सेम है। तो ऑलमोस्ट जितने भी ब्रोकर्स हैं, शेयर खान में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, राइट, और डीमैट अकाउंट का 400 रुपये लेता है। तो अभी तक हमने जितना देखा उसमें से शेयर खान थोड़ा सा कम है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ये चार्जेस तो सेम है। और एंजल ब्रोकिंग में आप सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फी नहीं है लेकिन यहाँ पे डीमैट अकाउंट चार्जेस है। और अगर आप IIFL में देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट चार्जेस हैं, तो कुछ यहाँ पे भी चार्जेस हैं। मैं रेंडमली आपको दिखा देता हूँ, मोतीलाल ओशन में 299 का अकाउंट ओपनिंग, मतलब ओपनिंग का तो चार्ज नहीं है पर एनुअल आपको चार्ज लगता रहेगा। तो ये सारे ऑलमोस्ट जितने भी ब्रोकर हैं यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा चार्ज लग रहा है। मैं कुछ एक ऐसे साइट्स बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आप वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी नहीं मिलेगा लगेगा आपको, एनुअल चार्ज भी बहुत कम होगा और ये जो आपको ट्रेड करते हैं, आप बाय या सेल करेंगे, उसकी जो चार्जेस है वो भी बहुत कम होगी। तो सबसे नीचे जो स्टॉक है वो आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं,
ये है रघुनंदन मनी। यहाँ पे देखिए आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है पहला, और अगर आप ब्रोकरेज AMC देखें वो भी नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, किसी भी तरीके से वो आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे। और अगर आप स्टॉक बाई या सेल भी करेंगे उसमें भी वो आपसे चार्ज नहीं ले रहे, लेकिन हाँ आप अगर एक दिन के अंदर बाई या सेल करते हैं तो उसमें उनके चार्जेस है ₹18, राइट, ऑलमोस्ट बहुत कम है। ये एक अच्छा साइड है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, न्यू साइड है ये और इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। अगर आप फ्री डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो आज के डेट में जो डिस्काउंट ब्रोकर है और जो सबसे अच्छा आज के डेट में है, और वो है ज़ीरोधा। मैं आपको ज़ीरोधा भी दिखा देता हूँ, ज़ीरोधा ये है ज़ीरोधा। अभी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी है, डीमैट अकाउंट भी चार्ज है, लेकिन जब स्टॉक आप बाय करके रखते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप सेम डे अगर बाय या सेल करते हैं तो ₹20 वन टाइम का ये लेते हैं। अभी मैंने भी डीमेट अकाउंट मेरा है, मेरा ज़ीरोधा में मेरी डीमेट अकाउंट है जहाँ पे मैं शेयर्स बाय या सेल करता हूँ। ज़ीरोधा है अच्छा। प्रो स्टॉक में भी आप देखें तो ऑलमोस्ट ये चार्जेस नहीं है, यहाँ पे वन टाइम चार्ज आप देखिए ₹15 का आपका वन टाइम चार्ज है, तो आप प्रो स्टॉक भी प्रीफर कर सकते हैं। 5 पैसा थोड़ा महंगा है। और अप स्टॉक अगर देखें तो अप स्टॉक में 150, यहाँ पे 150 के आसपास चार्ज है, तो ये भी अप स्टॉक भी बहुत सस्ता है। मतलब सैमको में अगर आप देखें, सैमको में सिर्फ ₹400 आप देख रहे हैं, फायर्स में भी आप ₹400 दे रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो डिस्काउंट ब्रोकरेज हैं जहाँ पे अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे ये फिन वशिया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट चार्जेस नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी स्टॉक्स ब्रोकर्स हैं, तो आप एक बार इस साइट में विजिट करके अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी व्यू लेना चाहते हैं इन ब्रोकर्स पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड या बहुत वॉल्यूम के साथ नहीं करना है, या आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है, सिंपल स्टॉक बाय करके लंबे टाइम के लिए रखना है, तो उसके लिए सबसे आप अच्छा जो होगा वो होगा रघुनंदन मनी, राइट। और अगर आप थोड़ा सा पैसा दे के और थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़ीरोधा के साइट थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको फुल सर्विस की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप IPO भी लेना है, म्यूचुअल फंड में भी करना है, या अदर ऑलमोस्ट जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप ICICI या HDFC या कोटक या एक्सिस जो हैं, जो फुल फ्लेज ब्रोकर हैं, इनके चार्जेस भी ज़्यादा हैं लेकिन इनकी सर्विसेज भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर, तो आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरा भी ICICI सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि मैं ICICI में असिस्टेंट मैनेजर था लास्ट टाइम, सो मेरा भी ICICI में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, मैं वो अभी भी ऑपरेट करता हूँ, और मेरा ज़ीरोधा में भी है। और अभी मैं कुछ लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि रघुनंदन मनी में भी आप अगर करना चाहो तो यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट देयर ऑल्सो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डीमैट अकाउंट आप अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट उनके साइट पर लॉग इन कर सकते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, बेसिक KYC जैसे कि मैं आपको बताया, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आप डिटेल सबमिट करेंगे, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट। ये हो गए आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आता है कि आप शेयर्स, मतलब आप उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, अब आपको क्या करना है। एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन जैसे हो जाता है किसी भी ब्रोकर के साइट में, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम से अपने सारे पैसे या जो भी आपके सेविंग्स है, आप एकदम से कोई स्टॉक्स बाय या सेल मत कीजिए। आप बहुत मिनिमम शेयर्स आप ले सकते हैं और अच्छी कंपनी का आप शेयर्स बाई कीजिए। मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, आप अगर चाहें तो NSE इंडिया का जो साइट है, NSE इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है, NSE और BSE है, तो NSE इंडिया के साइट में आप लॉगिन कर सकते हैं, राइट। और वहाँ पे आप जा सकते हैं लाइव मार्केट, और यहाँ पे आता है इक्विटी स्टॉक, तो इक्विटी स्टॉक में जाएंगे तो ये है इंडिया की टॉप 50 कंपनी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 है इंडिया की टॉप 50 कंपनी, ऑलमोस्ट सारे बिग जैसे रिलायंस, विप्रो, कोटक। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए सही से, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं रिलायंस, विप्रो, कोटक बैंक, हिंडालको, SCL, ONGC, अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, मारुति, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, TCS, इंडिया फाइनेंस, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, राइट। ये सारी कंपनीज हैं,
तो इसमें इनका प्राइस भी देख रहे हैं, इनका सबके प्राइस कोई 1,000 रुपये का है, लाइफ प्राइस जो है ये 1,000 का है, 300 का है, 208 रुपये का है, 986 का है, 146 का है, 398 का है, 198 का है, राइट। तो हर डिफरेंट स्टॉक का एक अपना अपना प्राइस है, राइट। अगर इनिशियली आपको समझ नहीं आता है कि आप कौन से स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करें, राइट, और कौन सा सही टाइम है स्टॉक में पैसे लगाने का, तो सबसे बेस्ट है आप इनिशियली एक अच्छे कंपनी में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके आप एनालाइज कर सकते हैं, राइट, कि आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक के अंदर कैसी मोमेंटम है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है और सही से आपको स्टॉक मार्केट में पैसे अर्न करने हैं, तो उसके लिए तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी, देन ओनली आप स्टॉक मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पूरी तरीके से समझ नहीं आता है, मतलब आप पैसे लगा रहे हैं, पैसे प्रॉफिट नहीं बन रहा है या नेगेटिव हो रहा है, राइट, आपने कई बार इन्वेस्ट किया प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो उसके लिए सबसे एक सिंपल वे है जिससे के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो है म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड में SIP होता है, 1,000 रुपये का, 500 रुपये का भी SIP होता है, तो आप मंथली SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी में आप अप्रोच करते हैं और वहाँ से आप मंथली 1,000 रुपये का या 500 रुपये का आप SIP कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे साइट्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप मंथली SIP कर सकते हो, जैसे पेटीएम मनी है, ग्रो ऐप है, ईटी मनी है, या फिर डायरेक्ट आप AMC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आप वहाँ से डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में 1,000-1,000 रुपये का या 500-500 रुपये की SIP कर सकते हो लंबे टाइम फ्रेम के लिए, उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। या अगर आप खुद से ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट में, बाई या सेल करना है, तो आपको फिर थोड़ी सी अपनी नॉलेज एनहांस करनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बेसिक या तो कोर्स करनी पड़ेगी, देन ओनली उसके बाद फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एजुकेशन में अपना टाइम नहीं दे सकते, सो देन सबसे बेस्ट है कि आप अपना मंथली SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए। आपको डेफिनेटली उससे एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है उससे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस हाई है। सो आज के लिए इतना ही, आने वाले टाइम में मैं और वीडियो जैसे अपलोड करूँगा जिससे आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।